दोस्तों नमस्ते, श्रीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटर चिकन। बटर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। अब मैं इस चिकन को मैरिनेट करूँगी। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच दही, ये गाढ़ा दही है, मैंने इसे हैंग करके रखा था, 1/2 चम्मच गरम मसाला और हम अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस इसमें इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये इसका मैरिनेशन प्रोसेस जो है वो जल्दी होता है। अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। देखिए, इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करना है हमें। मिक्स करने के बाद ये मिक्स किया हुआ चिकन हम 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में हमें इसे ढक के रखना है। और अब मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम 1 क्यूब बटर डालेंगे। उस बटर में हमें अब डालना है, ये 4 प्याज रफली काट लिए हैं, ये 4 प्याज हम इसमें डालेंगे और बाद में हम इसमें डालेंगे 7 से 8 काजू और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए, हम बटर चिकन बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल किया है। अभी हमें बटरी टेस्ट चाहिए तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बटर यूज़ करेंगे। देखिए, ये प्याज ऐसे हमें फ्राई करना है, थोड़ा सा ब्राउन होने तक हमें प्याज को फ्राई करना है। हमारा प्याज अब ब्राउन कलर हो चुका है तो हम इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये प्याज पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। देखिए, इसका हमें ऐसे फाइन पेस्ट बनाना है। अब हमारा चिकन 1 घंटे के लिए मैरिनेट हो चुका है। अब हम इस चिकन को बटर में फ्राई करेंगे। अब हमने गैस पर पैन रखा है, उस पैन में 1 क्यूब बटर डाला है। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। देखिए, चिकन ऐसे हमें डालना है। और इसे अच्छे से हल्के से पलट कर हमें भूनना है। चिकन हमें 10 मिनट के लिए भूनना है। देखिए, ऐसे हल्के से हमें चिकन के सब पीसेस पलट पलट के भूनने हैं ताकि ये चिकन के पीसेस टूट ना जाए। देखिए, हमारा चिकन पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम पैन में हमें बटर डालना है। हम फिर से इसमें 1 क्यूब बटर डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, 2 बड़े चम्मच हमने तेल भी यूज किया है यहाँ पे। देखिए, अब बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक पिसा हुआ प्याज और काजू का पेस्ट और इसे अच्छे से
फ्राई करेंगे। दोस्तों ये बटर चिकन है वो बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में, इसका बटरी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और छोटे बच्चे इसे बहुत पसंद से खाते हैं। देखिए ये इस तरह हमें ऐसे फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमने मैरिनेशन में भी 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था, अब हम ग्रेवी में भी अदरक और लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसे हमें ऐसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बाउल टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी मैंने घर पर ही बना के रखी थी, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए टोमेटो प्यूरी डालने के बाद इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है। अच्छे से मिक्स करना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है जो ज़्यादा तीखा नहीं होता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। दोस्तों भूलना मत, हमने नमक मैरिनेशन में भी डाला था और अब हम इसे इसमें भी डाल रहे हैं। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। ये ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं होती है, ये ऐसे थिक ही ग्रेवी रहती है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस पर अभी ढक्कन रख के इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए ये 5 मिनट के लिए पक चुकी है। इसका कितना अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ चिकन। ये पूरा चिकन हम इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों मैंने इसमें 1 ग्लास पानी डाला है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पानी और भी डाल सकते हैं। पानी को आप गर्म करके डालिए, गर्म पानी डालने से सब्ज़ी का कलर अच्छा आता है। ऐसे अच्छे से इसे मिक्स करना है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाली है। ये फ्रेश क्रीम मैंने दूध के मलाई से बनाई है। देखिए फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है और कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है। और फ्रेश क्रीम और बटर की वजह से ये बटर चिकन बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखेंगे चिकन अच्छे से पका है या नहीं। देखिए हमारा चिकन अभी पकना थोड़ा बाकी है तो हम इसे और 10 मिनट के लिए पकाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिए आप चिकन जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना वो चिकन अच्छा पकेगा, जल्दी पकेगा और बहुत जूसी लगेगा। देखिए अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये चिकन पूरी तरह से रेडी हो चुका है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और ये अंदर से बहुत जूसी हो गए हैं इसके पीसेस। अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। मुझे चिकन पकाने के लिए 30 मिनट लगे हैं।
देखिए वाओ, ये डिश मेरी कितनी अच्छी दिख रही है। मैंने इसे फ्रेश क्रीम और हरा धनिया डालकर गार्निश किया है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो घर पर आप एक बार ज़रूर करके देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।